नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कला लेखन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भीमबेटका की गुफाओं पर चर्चा शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बस या व्यक्तिगत संसाधनों से दक्षिण की तरफ 45 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। यहाँ पर ठहरने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उत्तम व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित हैं? रायसेन जिले में। यह भोपाल से कितनी दूर पर हैं? 45 किलोमीटर पर। भीमबेटका के क्यों प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल का एक शिलाचित्र स्थल है या रॉक सेंटर है। भीमबेटका में शिलाश्रयों की संख्या, भीमबेटका में 750 शिलाश्रय पाए गए हैं। इनमें से 200 में चित्र विद्यमान है। वर्तमान में दर्शकों के लिए क्रम संख्या 1 से 17 तक ही खोले गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, भीमबेटका में कुल कितने शिलाश्रय हैं? 750। वर्तमान में कितने में चित्र विद्यमान हैं? 500 में। कुछ किताबों में शिलाश्रयों की संख्या 600 बताई गई है, जबकि चित्रों को 275 में अंकित बताया गया है। हमने ये आंकड़े भीमबेटका की गुफाओं पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए शिलापट्टों से उठाए हैं, इसीलिए यह ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। भीमबेटका की खोज, भीमबेटका की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर वाकरकर ने 1957-58 में की थी। उनकी इस खोज और प्रागैतिहासिक चित्रों पर अध्ययन के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, भीमबेटका की खोज किसने की? प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकरकर ने। कब की थी? 1957-58 में। ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? उज्जैन विश्वविद्यालय से। इन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया? भीमबेटका की खोज और प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के अध्ययन के लिए। भीमबेटका गुफा का संरक्षण, 11 अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया तथा 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने इसे विश्व सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने, महत्वपूर्ण प्रश्न, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 9 जुलाई 2003। राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 11 अगस्त 1990। भीमबेटका के चित्रों का वर्गीकरण, 1976 में स्वतंत्र भारत में यशोधर मठपाल के लेख में भीमबेटका के चित्रों को 10 भागों में बांटा गया है। प्रथम स्तर में बड़े आकार के पशु अंकित किए गए हैं। द्वितीय स्तर में चीतल, वृषभ आदि अंकित हैं। प्रथम और द्वितीय दोनों में कथई रंग का प्रयोग किया गया है। तीसरे स्तर पर नैसर्गिक चित्रण हुआ है, जैसे दौड़ते, भागते, आखेट करते आदि। चौथे स्तर पर आकृतियों में शैलीबद्धता आ गई है तथा ताम्रवर्ग का प्रयोग किया गया है। पाँचवें स्तर के चित्र ज्यामितीय प्रभाव से युक्त हैं। छठे स्तर के चित्रों में मानव को पशुओं के सहचर के रूप में अंकित किया गया है, जो गेरू और सफ़ेद रंग से अंकित किए गए हैं। सातवें स्तर में योद्धाओं का चित्रण किया गया है, जो धनुष, बाण, कृपाण धारण किए हुए हैं। आठवें स्तर के चित्र सातवें स्तर के समान हैं, किंतु शैली में भिन्नता दिखाई देती है। नवें स्तर के चित्रों में नारंगी तथा लाल रंग प्रयुक्त किया गया है। चित्र देखने पर रेखा चित्र जैसे प्रतीत होते हैं। दसवें स्तर पर प्रतिलिपियों के लेख हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का चित्रण नहीं है। भीमबेटका के चित्रों का विषय, भीमबेटका के कलाकारों का प्रमुख विषय आखेट ही रहा है, परंतु समय के साथ आदिम मानव ने पशुओं को पालना भी सीख लिया था। सहचर के रूप में भी दिखाया गया, साथ ही दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी अंतिम समय में बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, भीमबेटका के चित्रों का प्रमुख विषय आखेट, अंतिम समय में किस प्रकार के चित्र बनाए गए? सामान्य जीवन तथा पशुओं को सहचर के रूप में अंकित किया गया है। भीमबेटका में कुल चित्रों के कितने स्तर पाए गए हैं? यशोधर मठपाल ने 10 माने हैं, जबकि अन्य किताबों में दो स्तर माने गए हैं। नोट, भीमबेटका से कपनुमा कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें क्यूपिड्स भी कहा जाता है। यह मानव निर्मित
प्रथम चित्र या प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यूपल्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीम बेटिका और मंदसौर से। भीम बेटिका में प्रयुक्त रंग, भीम बेटिका के कलाकारों ने चित्रों के निर्माण में खनिज रंगों का प्रयोग किया है। इन रंगों का निर्माण पत्थरों को पीस कर किया जाता था। बंधेज के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। कुछ रंगों में लाल, हरा, हरा, सफेद आदि। भीम बेटिका में किस प्रकार के रंग प्रयोग हुए? खनिज रंग। इन रंगों का निर्माण होता था पत्थर से। बंधेज के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? चर्बी। प्रमुख रंग हैं लाल, हला, गेरुआ, सफेद। भीम बेटिका के चित्र निर्माण का उद्देश्य, पूजा, जादू टोना, आखेट आदि प्रमुख उद्देश्य रहे होंगे, परंतु इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है शिला चित्र साक्षात हमें उस काल की गौरव गाथा सुना रहे होंगे जो चित्रकारों की कुशलता का परिचायक हैं। महत्वपूर्ण, भीम बेटिका के चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूजा, जादू टोना, आखेट तथा युवा पीढ़ी को शिक्षित करना आदि विषय रहे होंगे। ये क्यूपल्स के चित्र हैं। एक कपनुमा आकृतियां माना जाता है मानव द्वारा निर्मित प्रथम चिन्ह थे। यहाँ पर जो बड़े गड्ढे बनाए गए हैं वह परिवार के बड़े सदस्यों के रहे होंगे और छोटे निशान परिवार के छोटे सदस्यों के रहे होंगे। ये सबसे प्राचीन चित्र भी हैं। इनकी कार्विंग डेटिंग करने के पश्चात ये पुरापाषाण काल के माने जाते हैं। यह भीम बेटिका से एक मेमस प्राप्त हुआ है जो अब लुप्त हो चुका है। यह प्रारंभिक स्तर का चित्र रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जानवर को बड़ा बनाया गया है और मनुष्य को छोटा। यही कारण है कि यह प्रारंभिक स्तर का चित्र है। ये कुछ पशुओं के चित्र बनाए गए हैं। यह अंतिम समय का चित्र होगा क्योंकि यह मनुष्यों का यहाँ पर एक मनुष्यों का समूह अंकित है जो घोड़े पर सवार है तथा अपने हाथों में भाले लिए हुए हैं। यही कारण है विषय वस्तु को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह चित्र अंतिम समय का रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।